वेलकम टू द आशिमा शो। ये वायरस तो ऐसा फैला कि आम जनमानस तो छोड़िए, देशों के मंत्री प्रधानमंत्री तक इस वायरस से नहीं बच पाए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की वाइफ पॉजिटिव पाई गई। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। ईरान की वाइस प्रेसिडेंट कोरोना वायरस से गिरफ्त पाई गई। और कल ही खबर आई, 70 साल के मोदी के दोस्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी पॉजिटिव पाए गए। ये हो क्या रहा है? दुनिया भर में अभूतपूर्व घटनाएं घट रही हैं। डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में अपने आप को टॉप में रखने वाला देश अमेरिका बुरी तरह कोरोना की चपेट में है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इस लिस्ट में डेली 10,000 के करीब नए लोग जुड़ रहे हैं। अमेरिका के 6 प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ओबामा से लेकर ट्रंप के अंडर काम कर चुके इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग अकेले यूएसए में मर सकते हैं। जर्मनी में हालत इस कदर खराब है कि वहां के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस शॉफर से यह हालत देखी नहीं गई और सुसाइड कर लिया। जर्मनी में इस वक्त 66,000 मामले हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, किसी देश को स्टडी कर लीजिए, एक जैसा ही माहौल है। ऐसा नहीं है इस वायरस से बस वेस्टर्न यूरोपियन देश ही जूझ रहे हैं। टर्की, इसराइल, कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया भी धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद सभी देशों में डेली मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इस वायरस की जंग को जीतने के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को शहर छोड़ छोड़ अपने गांव पलायन करना पड़ रहा है। ये सब तो एक तरफ, इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाला सीधा असर भी बहुत गंभीर होगा। मोदी जी ने अपने भाषण में ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर भारत कोरोना से निपटने में असमर्थ रहा तो 21 साल पीछे चला जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अकॉर्डिंग कोरोना के चलते पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आएगी। ये मंदी 2008 के ग्लोबल रिसेशन से कहीं ज्यादा गंभीर होगी। पाकिस्तान समेत 80 से ज्यादा देशों ने IMF से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपातकालीन वित्तीय मदद मांगी है। कौन जिम्मेदार है इतनी बड़ी तबाही का? क्या यूनाइटेड नेशंस को चीन को कटघरे में खड़ा करके रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए? लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को चाइनीज वायरस कहकर संबोधित किया तो चाइना के तेवर देखने वाले थे। मानो ये वायरस चाइना से ना आकर अंतरिक्ष से आया हो। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, कमेंट करके अपने विचार हम सब के साथ जरूर शेयर करें। मैंने कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग 27 जनवरी से स्टार्ट की थी, तब ये वायरस बस चाइना के वुहान शहर तक ही लिमिटेड था। अब तक 45 से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हूं और देखते ही देखते पिछले 2 महीने में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। 8 लाख के करीब लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, 40,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। सभी देशों के लोग लॉकडाउन के चलते घरों में कैद हैं। कभी सोचा था कि 2 महीने में दुनिया इतनी बदल जाएगी? दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।